यही सबसे वन ऑफ द रिलीजियस प्लेस है भाई, होलीस्ट प्लेस है, और यहीं पर आते हैं। इसी को आई थिंक प्रोफेट मोहम्मद मॉस्क कहते भी हैं। ये जो मॉस्क है वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है। और भाई ये क्यूबा मॉस्क काफ़ी इंपॉर्टेंस मॉस्क है भाई इस्लाम की हिस्ट्री में, क्योंकि भाई दुनिया का ये पहला मॉस्क था भाई। सऊदी ओपन होना इधर स्टार्ट हुआ है, 2.5 साल पहले तक भाई आप मदीना भी नहीं आ सकते थे एज ए नॉन मुस्लिम, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रेयर करना इस्लाम में एक प्रेस्टिजियस प्रेयर कहा गया है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेयर है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त भाई मैं हूँ द होली सिटी ऑफ मदीना, और भाई जो मदीना है वो इस्लाम में भाई सेकेंड होली प्लेस है आफ्टर मक्का। बट एज ए नॉन मुस्लिम, एज ए हिंदू भाई मैं मक्का तो नहीं जा सकता, बट आप लोगों को मैं दिखाने आया हूँ मदीना कैसा दिखता है। भाई मदीना में भी मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। जो अल हराम वाला एरिया है, जो भाई जो मॉस्क वाला एरिया है जहाँ पर मॉस्क है, जो सारे रिलीजियस थिंग्स है, वहाँ पर मैं नहीं जा सकता। बट एज ए सिटी मैं इस सिटी के अंदर रह सकता हूँ, सिटी के अंदर घूम सकता हूँ, और भाई इन मक्का शहर तो मैं जा ही नहीं सकता। तो भाई मैं आ गया हूँ सुबह सुबह पेट पूजा करने के लिए, अभी जस्ट अपने हॉस्टल से निकला हूँ। ये कुछ मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा है, खाने पीने का हिसाब किताब तो दिख रहा है कच्चा खासा। भाई जान खाना है क्या? खाने में क्या है? खाने में चिकन है, मटन है, चिकन बिरयानी है, दाल गोश्त। चिकन बिरयानी है क्या? चिकन पाकिस्तान से? आप पाकिस्तान से? पाकिस्तानी चिकन बिरयानी मिलेगा फिर? पाकिस्तानी कराची वाला। कराची वाला फिर एक कर दे चिकन बिरयानी। आप एक चिकन बिरयानी और क्या है आपके पास? रायता है? रायता कर देना, रायता छोटा पोर्शन, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं, उतनी जोर से भूख नहीं लगी। ठीक है, ओके। आप लाहौर से हो? लाहौर से जरूर। मैं बिहार से हूँ। माशाल्लाह। चलो भैया आप सब खा रहे हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये? पाकिस्तान। सही है भाई, और नान वगैरह मिल रही है भाई, पाकिस्तानी नान, ये इनका रेस्टोरेंट। उर्दू में लिखा हुआ है? उर्दू लिखा हुआ है, मुझे लगा ये अरबी है बट उर्दू है, सऊदी अरबी में लिखा हुआ है। ये मस्त खाना दिख रहा है भाई। अरे यार ये तो यहाँ पे वो भी मिल रहा है, तो भिंडी मिल रहा है भाई, थोड़ा सा भिंडी भी दे देना। ठीक है, थोड़ा सा सही दिख रहा है भाई। तो भाई ये है मेरा ब्रेकफास्ट, थोड़ा हैवी हो गया यार, थोड़ा भिंडी भी मुझे मिल गया और थोड़ा चिकन भी है, चिकन बिरयानी है ये, पाकिस्तानी चिकन बिरयानी। भाई भिंडी मेरा फेवरेट सब्जी है, पता नहीं क्यों मुझे भिंडी काफ़ी अच्छी लगती है। और भिंडी भाई मस्त है भाई, कच्चा वाला भिंडी है, मस्त लग रहा है। चलो खाना खाते हैं। तो भाई स्टेशन में खाना पीना खा लिया, क्या है मदीना की हिस्ट्री बताओगे आप? हाँ, मदीना में अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ है मदीना पाक, और यहाँ पूरी मुस्लिम कंट्री यहाँ आती है, और मक्का पाक जो है ना वो अल्लाह पाक का घर है माशाल्लाह। यहाँ पूरी मुस्लिम कंट्री जो है ना यहाँ आती है उमरा करने के लिए और ज़ियारतें करने के लिए यहाँ आती है। जितना मुझे पता है कि प्रोफेट मोहम्मद यहाँ पर आए थे मक्का से यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करने के लिए, बिल्कुल, और फिर यहीं पर रहे थे, उनकी मृत्यु शायद यहीं पर हुई थी, बिल्कुल। और इनका जो कब्र है ऐसे यहीं पर है? रोज़ा मुबारक है, अजोरा मुबारक, रोज़ा मुबारक है यहाँ। चलो भाई थोड़ी मोड़ी हिस्ट्री जान लिए, ज़्यादा मुझे उतना पता नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा जान रहा हूँ भाई। तो भाई कुछ ऐसी दिखती है मदीना की सड़कें, ये कुछ ऐसा है भाई, छोटी छोटी गलियाँ हैं भाई, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मैं इंडिया में ही हूँ, कि यहाँ पे इतने इंडियन भाई साहब, पाकिस्तानी भाई साहब हैं कि यहाँ पर फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी पराए देश में हूँ। और भाई एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब मैं आया ना तो सब ने पूछा कि तुम अल हराम गए, क्योंकि भाई जो मॉस्क वाला एरिया है तो कहते हैं अल हराम। मैंने कहा नहीं मैं जा नहीं सकता, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। जैसे पाकिस्तानी भाई साहब ये जो थे तो उन्होंने कहा कि तुम गए नहीं, मैंने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ तो मुझे जाना अलाउड नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आ गया, इस शहर को घूमने के लिए आ गया, बट मैं वो रिलीजियस जो एरिया है वहाँ पर मैं नहीं जा सकता। तो आप आ सकते हो यहाँ पर बट वो रिलीजियस एरिया वाले में आप नहीं जा सकते हो, अगर आप हिंदू हो या तो फिर सिख या तो फिर क्रिश्चियन या तो फिर बुद्धिस्ट हो। और जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं वो तो आए यहाँ पर, आपकी पवित्र जगह है। तो भाई जो लोग यहाँ पर उमरा करने के लिए आते हैं, मैंने उनका एक काइंड ऑफ टॉवल देखा, लाइक टॉवल है यहाँ पे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको हिंदी में या तो फिर उर्दू में या तो फिर फारसी में, किसी भी लैंग्वेज क्या कहते हैं जरा आप कमेंट सेक्शन में बताना, कि वो जो कपड़े पहनते हैं उसको क्या कहते हैं उस कपड़े को, कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो अलग ही है। जब मैं इस्तानबुल एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा था सऊदी के लिए तो मेरे फ्लाइट में काफ़ी लोग जो बैठे हुए थे उसी कपड़े में आ रहे थे। ये भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, हर जगह भाई चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा कि अलहराम का रास्ता इधर से है तो मैं जा रहा हूँ भाई हराम की तरफ। अब भाई ये भी कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कि इस जगह को अलहराम क्यों कहते हैं, मुझे इसका मतलब समझ गया, कि जितना मुझे पता है कि हराम एक लाइक नॉट अ पॉजिटिव वर्ड है, मुझे लगता पता है कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो मुझे खुद नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या है नहीं है भाई। तो भाई यहाँ पर साइन बना हुआ है हराम, इधर जाना है भाई मुझे। भाई इससे शहर जो है काफ़ी खूबसूरत है यार, बादल देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है,
और यहाँ पे शहर भाई माउंटेन से घिरा हुआ है, उधर माउंटेन्स हैं और इधर इस तरह किस तरह से ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मदीना शहर है भाई। भाई यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओहो आउट हो गया भाई तू, क्या हाल है भाई? यूट्यूबर है? हाँ यूट्यूबर हूँ भाई मैं। चैनल का नाम? हेलो क्या हाल है भाई? भाई क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? हम फैसलाबाद से। पाकिस्तान से हो? यस। तुम भी पाकिस्तान से? भाई यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सोच रहा हूँ एक दो बॉल मैं भी खेल लेता हूँ। क्या भाई एक दो बॉल खेल लूँ मैं? देखता हूँ ये बच्चे खेलने देंगे नहीं या मुझे देंगे। मैं इस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे एक दो बॉल खेल लेते थे यार, क्रिकेट खेले काफ़ी अरसा हो गया, टाइम हो गया। चलो भाई देखो मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तानी भाई साहब के साथ, इंडियन पाकिस्तान के बीच एक जंग हो रही है। आप इंडियन है? हाँ मैं इंडियन हूँ। विराट कोहली ने ये बॉल हुई भाई यार, ये रे इधर दिखा इसको मोटे को मारूं फाइट। तो तुम तो बॉल टच नहीं कर पा रहे यार, एक भी पांच छक्के लगाए हैं। अच्छा चलो बस दो तीन बॉल और खेल ले तो बेटा। नहीं नहीं अरे यार खेलने दे यार, टाइम नहीं है। टाइम है मेरे पास, टाइम नहीं है, रुको हमारे पास। आपके चैनल का नाम क्या है? खेलने देने की बॉल नहीं, ये बड़ा बंदा स्मार्ट बन रहा है। ये दो तीन बार आउट हो चुका है, मेरे को सिर्फ एक बॉल खेलने दिया, बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, गजब बेइज्जती है। चलो भाई बच्चे के साथ एक दो बॉल खेल के निकल रहा हूँ मैं। फिर उसने पूछा क्या क्यों क्यों आए हो? मैंने कहा ऐसे ही घूमने आया हूँ। बोलते उमरा करने आए हो? मैंने कहा नहीं नहीं उमरा करने क्यों आऊँ मैं तो मुस्लिम हुई नहीं। फिर बोलता कोई तुमको पकड़ लेगा? तो मैंने कहा क्या क्यों पकड़ लेगा, किस बात का पकड़ लेगा, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। लोगों को पता पता नहीं है भाई कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं। ये भाई ऐसी बिल्डिंग दिख रही है आसपास, काफ़ी मुझे सही शहर लगा। और भाई इस शहर में गर्मी है यार, मैं जैकेट लेके पता नहीं घर से क्यों निकल गया हूँ। अब जैकेट हाथ में ढूंढने से अच्छा है कि मैंने पहन लिया है। भाई ये बसें देख रहे हो आप, इतनी सारे यहाँ पर बसें हैं और ये सारे लोग भाई उमरा करने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। इधर भाई कंस्ट्रक्शन लेकिन ज़ोर शोर से चल रहा है भाई, हर तरफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। आई थिंक ये रोड मुझे लेके जाएगा अल हराम की तरफ, जो कि मस्जिद एंड वो जो एक कम्प्लेक्स है, लेकिन उसके अंदर नहीं घूम सकता मैं, उसके गेट तक जाके आपको दिखा दूंगा मैं। ये भाई साहब यहाँ पे कुछ कुछ बेच रहे हैं। कहाँ से हो आप? बर्मा। बर्मा? बर्मा म्यांमार? ये भाई साहब बर्मा से पहली बार मेरे को मिले हैं यहाँ के बाद। फिंगर काउंटर। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू? बेसिकली आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। हाँ वेयर इन अफगानिस्तान? इंग्रार। इंग्रार ओके। आई वाज इन अफगानिस्तान रिसेंटली। वेयर? आई वाज इन काबुल, मजार, बामियान। आर यू अ व्लॉगर? यस। Nomad Shubham. Nomad Shubham. White essential level for you. If you can't swelling, you can swell. Sure, sure, sure. You from Afghanistan. What's your name? Muhammad Sifiq Siddiqui. Farsi Baladi? No, foreign only. Pashto, English. Pashtun? Okay. Yeah, actually, I'm recently... You don't speak Dari? No, no. I just only speak English and Urdu. Pashto, Urdu. Urdu? Ah, because you're from this part of the Afghanistan. Got it. Chalo bhai. Chalo, theek hai bhai. Any service? No, no, no. Everything is fine, brother. Thank you. Bye-bye. इधर क्यों आना है? चैनल दो ये भाई मेरा, ठीक है चलो भाई। अरे भाई ये अल हराम किधर है? सीधा? ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो भाई चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर भी देखो एकदम रोड पे करेला मिर्ची टमाटर मिल रहा है। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। कहाँ से हो आप? बांग्लादेश से। कितने का करेला बिक रहे हैं यहाँ पे? एक किलो पाँच रियाल। एक किलो पाँच रियाल ताज़ा, मतलब 100 रुपये का एक किलोग्राम मिल रहा है, ठीक है 110 रुपये का, एक्चुअली महंगा भी नहीं उतना। तो भाई इधर से रास्ता बना हुआ है जाने के लिए मेन कॉम्प्लेक्स जो है, तो इधर से मैं जा रहा हूँ इधर करके। यहाँ पे लोग सामान वगैरह भी बेच रहे हैं भाई। चलते रहने पर भाई उन्होंने कहा कि इधर चलते रहोगे 15-20 मिनट तो तुम पहुँच जाओगे, तो मैं जा रहा हूँ उसी तरफ। अब भाई परफ्यूम हर जगह बिकता है भाई, ये मस्जिद के सामने हो या कहीं पर हो परफ्यूम हर जगह बिकता है। भाई साहब परफ्यूम वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा हिसाब किताब है। अभी तो दाने खा रही है। तो भाई वो जो मॉस्क वाला कॉम्प्लेक्स है उसके सामने भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इस तरफ भी उस तरफ भी, और भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है ज़ोर शोर से। और भाई बड़ी बड़ी यहाँ पे होटल्स एंड बिल्डिंग्स एंड रेस्टोरेंट एंड अलग अलग चीज़ें बनने वाली है भाई अगले 5-6 सालों में। जो 2030 का जो विज़न है ना यहाँ, ये जो एरिया होगा ना बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप एंड बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स होने वाले हैं। फिलहाल भाई मैं ऑलमोस्ट आ गया हूँ उसके गेट पे, बट इसके अंदर नहीं जाऊँगा मैं। ये थोड़ा जो एरिया है जहाँ पे आप वॉक वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो है मेरे जो सामने जो दिख रहा है आपको वो है मेन कॉम्प्लेक्स। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ के मेन एंट्रेंस पे। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई यहाँ का मेन एंट्रेंस। वाह काफ़ी लोग हैं भाई, आई थिंक उसके आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं होगी। ये भी अभी भी तो ये रोड ही है, मेन रोड ही है, इसके
के बाद पुलिस लगी हुई है एंड पुलिस चेक तो नहीं करेगी यार। देखो मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम क्या हुआ तुम चले जाओ तुम, मैंने कहा यार नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मतलब अगर मेरी श्रद्धा ही नहीं है अंदर जाने की तो मैं क्यों जाऊँ, तो देयर इज़ नो एनी पॉइंट कि मैं अंदर जाऊँ। मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आए होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, तो बाहर से ही दर्शन कर लें, मैं अंदर नहीं जा सकता। आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ, आई थिंक इस पॉइंट के बाद मुझे अंदर जाना सही नहीं होगा, आई थिंक हाँ ये वाला एरिया जहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है, गेट के बाद मैं नहीं जा रहा लेकिन गेट के पहले तक मैं जा सकता हूँ। और भाई ये है पूरा मेन एरिया यहाँ से, भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक्चुअली, आई थिंक अभी प्रेयर टाइम भी है तो इसके वजह से भी सारे लोग जा रहे हैं। इस तरफ भाई अल हिजरा एंड थिंग्स लिखा हुआ है भाई, ये यहाँ पे भाई बेसिकली होटल्स हैं, इस तरफ पूरे होटल्स हैं और इस तरफ भाई है मेन कॉम्प्लेक्स, ये भाई मेन रोड है। चलो आपको डोर तक लेके जाता हूँ, डोर के बाद मैं निकल जाता हूँ। भाई ये है मेन रोड और ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, ये कुछ भाई ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, और इधर चल रही है कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी जोरों शोरों से, मुझे काफ़ी हिंदी सुनाई को दे रही है, तो मोस्टली यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान एंड इंडिया से भी आए हैं। ये है एंट्री पॉइंट एंड इसके बाद मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। वेल तो भाई सारे लोग जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए। ये है भाई डोर जिसके अंदर सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, और भाई इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यार, इधर भी काफ़ी सारे डोर्स हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैंने एक दो लोगों से पूछा कि क्या मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, तो पहले तो शौक हुआ कि तुम यहाँ कैसे आ गए, फिर मैंने कहा तुम चल सकते हो बस इसके अंदर मत जाना, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि खूबसूरत तो है यार, मतलब इसकी जो मॉस्क उन्होंने बना रखे हैं यार कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो कम से कम बाहर से ही निहार देता हूँ अगर मैं अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमने कहा था कि पास में देखो जलजला दिखेगा, पता नहीं क्या जलजला मुझे खुद नहीं पता, शायद कुछ पानी का स्रोत है, कुआं है शायद जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ से दिखेगा तुम देख लेना, मैंने कहा चलो देख लेता हूँ यहाँ से। अरे यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम शानदार सा व्यू आ रहा है, वाओ क्या सही व्यू दिख रहा है भाई ये वाला। ये भाई पूरा अंदर का कम्प्लेक्स है और कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, सब लोग यहाँ भाई प्रेयर करने के लिए फिलहाल आए हैं। ये जो भाई मेरे पीछे दिख रहा है यही है भाई वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, जहाँ पे लोग भाई दूरों दूर से आते हैं, मतलब हज़ार दस हज़ार पंद्रह हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं लोग। इंडोनेशिया मुझे लगता है कि वन ऑफ द दूर रीज़न है, हालांकि यूएस कनाडा साउथ अमेरिका में भी लोग मुसलमान से, तो वहाँ से भी लोग आते होंगे। क्या मस्त भाई कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत है भाई, और भाई यहाँ पे हर जगह से लोग आ रखे हैं, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि कहाँ से हैं, कोई लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो काफ़ी लोग हैं, पाकिस्तान इंडिया इंडोनेशिया से, उसके अलावा भाई कुछ कुछ मुझे तुर्की से लोग दिखे, कुछ कुछ लोग मुझे एक्चुअली रवांडा से दिखे, रवांडा बुरंडी से, वहाँ भी इतने मुसलमान है मुझे पता नहीं था। तो भाई मेरे पीछे जो मस्जिद है भाई उसका नाम है अल मस्जिद अन नवावी, और यही सबसे वन ऑफ द रिलीजियस प्लेस है भाई, होलीएस्ट प्लेस है, और यहीं पर आते हैं, इसी को आई थिंक प्रोफेट मोहम्मद मॉस्क कहते भी हैं, तो सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं अभी, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा भी रहे हैं, मोस्टली लोग एक्चुअली जा ही रहे हैं। इतनी स्पेस है भाई अंदर कि सिर्फ जा रहे हैं लोग एक घंटे से, फिर भी आई थिंक अंदर स्पेस है, तो और कहते हैं भाई कि ये जो मॉस्क है वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है, ये एक सेंचुरी में काफ़ी चेंज होता रहा, बड़ा बनता रहा, आज के ज़माने में वो भाई वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है। तो भाई सब लोग आ रहे हैं, मैं यहाँ से फ़िलहाल निकल रहा हूँ और मुझे जो मॉस्क है भाई उस मॉस्क की तरफ जा रहा हूँ फ़िलहाल भी। तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस वक्त क्यूबा मॉस्क में, जो मेरे पीछे जो भाई मॉस्क है इसका नाम है क्यूबा मॉस्क, और भाई ये क्यूबा मॉस्क काफ़ी इंपॉर्टेंस मॉस्क है भाई इस्लाम की हिस्ट्री में, क्योंकि भाई दुनिया का ये पहला मॉस्क था, और भाई प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का से चले थे मदीना आने के लिए तो भाई उससे पहले ही इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, और अभी ये भाई काफ़ी न्यू आर्किटेक्चर न्यू लुक में है, और भाई पीरियड्स ऑफ टाइम ये मॉस्क की जो लुक है काफ़ी बदले हैं, ऑफकोर्स आज से लाइक 1000-1500 साल पहले जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर इतना बड़ा मॉस्क तो नहीं होगा, उन्होंने उस मॉस्क को बनाया है, तो भाई मुस्लिम के लिए ये मॉस्क काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और भाई ये भी हिसाब किताब है, ये पूरा एकदम एरिया है, हालांकि मैं इसके अंदर नहीं जा सकता भाई इस मॉस्क के अंदर, इसमें इस मॉस्क के अंदर सिर्फ मुस्लिम अलाउड है, तो मैं बट आपको बाहर वाले सराउंडिंग एरिया में दिखा सकता हूँ। भाई सऊदी ओपन होना इधर स्टार्ट हुआ है, 2.5 साल पहले तक भाई आप मदीना भी नहीं आ सकते थे एज ए नॉन मुस्लिम, आज एज ए नॉन मुस्लिम एज ए हिंदू मैं मदीना आ सकता हूँ, मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में हो सके मक्का भी हिंदुओं और अदर रिलीजन वाले लोगों के लिए भी ओपन हो, फिलहाल तो अभी ओपन नहीं है, फिलहाल तो मक्का जाना मेरे लिए अलाउड नहीं है, लेकिन भाई ये मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है मुझे भाई काफ़ी पसंद आया, तो जो देख रहे हो जो व्यू है भाई काफ़ी शानदार है भाई, जो उन्होंने बना रखे हैं दो इस तरफ गुंबद सही है भाई। मुझे लगा था कि भाई मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, बट फिर मैंने गूगल पे पढ़ा तो ये अलाउड नहीं है, तो अगर अलाउड नहीं है तो नहीं जाते हैं। बाकी भाई यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, और भाई हर जगह से लड़कियाँ लड़के महिलाएँ पुरुष सब भाई यहाँ पे हैं, हर जगह से, इंडोनेशिया से तुर्की से
मलेशिया से, ब्रुनेई से, हर जगह से भाई यहाँ पर प्रेयर करने आए हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रेयर करना इस्लाम में एक प्रेस्टिजियस प्रेयर कहा गया है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेयर है अगर यहाँ की आप प्रेयर प्रे करते हो तो। तो ये भाई है ऐसा हिसाब किताब, ये दिख रहा है भाई मॉस्क, ये इसकी दीवारें हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भाई देखने में काफ़ी खूबसूरत है भाई। और भाई मॉस्क के साथ साथ एक काफ़ी बड़ा एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हो, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाय कॉफ़ी अलग अलग तरह के भाई खाने मिल जाएंगे, काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट है, मान के चलो ऐसे कुछ वॉकिंग स्ट्रीट है भाई। आधे घंटे पहले भाई यहाँ पे भाई लोगों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि प्रेयर टाइम स्टार्ट हो रहा था, अभी भाई कुछ ऐसा हिसाब किताब है, कुछ ऐसा इलाका है, लाइटें वगैरह ने अच्छी लगा रखी है भाई पूरे एरिया में। और भाई मदीना के अंदर क्या है ना कि जब दोपहर रहती है भाई तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है भाई, मतलब जैकेट पहनना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन अभी शाम का समय जो टेम्परेचर है काफ़ी सही हो रखा है भाई, मतलब जैकेट पहनना पड़ रहा है क्योंकि भाई डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट में क्या होता है कि रात को टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ये कुछ ऐसा एरिया है भाई, यहाँ पर अलग अलग तरह के भाई परफ्यूम वगैरह मिल रही है, यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं भाई, और खाने पीने के यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है भाई। लोगों की भीड़ देखो यार, इतने लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे लोग हैं, और वॉफल्स वगैरह मिल रही है यहाँ पे, उधर बर्गर्स मिल रही है, मतलब खाने पीने के अच्छे खासे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये मुझे सही बात लगी भाई। और यहाँ पे एकदम काफ़ी हैपनिंग सी जगह है भाई, यहाँ पे बहुत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं, और भाई इनको यहाँ पे ठंडी लग रही है तो उन्होंने यहाँ पे गैस जला रखा है भाई, दिन को यहाँ पे टेम्परेचर इतना रहता है और रात को ठंडी की वजह से इन्होंने ये जला रखी जैसे कि आपको गर्मी लगे। खाने पीने के भाई ऑप्शन देखो, और लंबी लाइन देखो, कतार देखो भाई कितनी लंबी लाइन वगैरह लगी हुई है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। ये भाई सब कुछ बोल रहे हैं, हेलो हेलो, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू, बालो अच्छे, हिंदी या बोले बांग्लादेश, हिंदी हिंदी हिंदी, के हाल है, सब बढ़िया, अच्छे अच्छे अच्छे, सलाम अलैकुम, आप कहां से हैं, वेयर फ्रॉम, साउथ अरेबिया, साउथ अरेबिया, साउथ अरेबिया, नाइस टू मीट यू मैन, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम। भाई मैंने यहाँ पे एक बात और देखी कि आसपास जितने भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे महिलाएं काम कर रही है, मतलब भाई जो महिला की जो फ्रीडम थी, जो महिला वर्क की जगह जो थी वो भाई सऊदी में बढ़े जा रहा है, सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर कॉफ़ी शॉप में महिलाएं काम कर रही है, हालांकि अफकोर्स अबाया पहन के काम कर रही है, पूरा एकदम सिर्फ आग दिख रहा है उनका, लेकिन यहाँ पे महिलाएं वगैरह काम कर रही है भाई, चेंजेस हैं, रिसेंट चेंजेस हैं जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है भाई यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी वगैरह पी थी, काफ़ी रियली हैपनिंग से जगह है, बड़ी इस तरह की भाई गाड़ियाँ हैं जो आपको भाई लेके डायरेक्टली अल हराम वाला एरिया है वो आपको लेके जाएगी, ये वाले इस तरह की बगी कार्स है भाई। भाई ये जो स्ट्रीट है उसके भाई दोनों तरफ अलग अलग भाई चीज़ें मिल रही है, फल से लेके परफ्यूम से लेके हनी से लेके सब कुछ मिल रही है, और ये आपको बगी लेके जाएगी उस तरफ, बहुत सारे इस तरह छोटे छोटे मार्केट भाई है, अलग अलग चीज़ें मिल रही है, जैसे कि इस मार्केट पे वेफल्स मिल रही है, उस मार्केट पे मिल रही है कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ बिस्कुट वगैरह मिल रही है, इस पे भाई मिल रही है शॉर्मा वगैरह मिल रही है, खाने पीने के बढ़िया ऑप्शंस हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू सेलिंग, फिनिश, दिस इज फिनिश, व्हाट इज दिस, दिस इज बिरयानी, दिस इज बिरयानी, दिस इज पोटैटो, पोटैटो, यस, दिस इज दी बिरयानी, और बिरयानी كله فينيش يا عم, दिस इज मैक्रोनिया, ah but biryani finish, yes, yeah, all is finished, every finish, ah okay, no problem, thank you brother, thank you too। तो भाई सारा खाना पीना खत्म हो गया यार, मैं आई थिंक थोड़ा लेट आया, यहाँ पे भी कुछ कुछ मिल रहा है, पता नहीं देखते करता हूँ क्या मिल रहा है, नहीं मुझे बिरयानी खानी है भाई, बिरयानी आज सुबह भी खाया था और अभी भी खाऊंगा, मुझे बिरयानी खाने में बड़े मज़े आते हैं। तो भाई ये थी वॉकिंग स्ट्रीट, इसी वॉकिंग स्ट्रीट पर चल के आ रहा हूँ, मेरे सामने आपको भी मॉस्क दिख रहा होगा, और भाई ये भी एक मॉस्क है, मुझे भाई ये जो मॉस्क है ना वो तुर्की के मॉस्क का याद दिला रहा है, तुर्की में जो आई थिंक हागिया सोफिया था कुछ उसी टाइप का दिख रहा है ये वाला मॉस्क, ये दिख रहा है भाई मॉस्क। तो भाई अभी तक मैं उसी वॉकिंग स्ट्रीट पर चल रहा हूँ, और भाई चलते चलते मुझे मिला एक मॉल, सोचा के देखा जाए किस भाई मॉल में क्या क्या है यहाँ पे, कपड़े मिल रहे हैं सबसे सस्ते भाई, पता नहीं लड़कों का लड़कियों का, तो लड़के का ही लग रहा है, क्या प्राइस है भाई पता नहीं क्योंकि लोकल करेंसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई, छोटी बच्चियों का इधर कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा है भाई, लेकिन ऊपर लड़कियों का सेक्शन है तो कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे है नहीं और उतनी भीड़ भी नहीं है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। फिलहाल भाई मैं क्यूबा मॉस की तरफ से आ चुका हूँ कुछ खाने पीने के लिए, बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियन, बट मुझे लग रहा है बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है ये प्रॉपर, ज़रा कुछ खाया पिया जाए, देखते हैं क्या क्या खाने के लिए, क्या ले भाई, ठीक है मछली होगा क्या, मछली चावल, मछली चावल, हाँ ओ वो कलकत्ता बांग्लादेश वाला राइट। तो भाई ले रहा हूँ यहाँ से मैं खाना, भाई एकदम मस्त था, उन्होंने बना रखा एकदम भात, भात मतलब चावल, और ये भाई पूरी मछली मछली चावल सब मैक रहा है, पूरा बांग्लादेशी खाना है भाई यहाँ पर, पैक नहीं यहाँ पे खाना है, यहाँ पे खाना है, तो पैक क्यों कर दिया आपने, छोड़ दो बैठो, मैं मछली बात गरम गरम खिलाना ठीक है, बढ़िया
चलो भाई गरम गरम मछली भात खाता हूँ मैं। तो भाई खाना पीना खा रहा हूँ फिलहाल। इन्होंने दिया है चावल बड़ा भात सा, एकदम मस्त सा बड़े भात है ये। ये है चोखा आई गैस, ये कुछ सलाद टाइप का, और ये भाई ये मछली। ये भाई मस्त दिख रहा है मछली, मैंने कहा बिना काटे वाला देना, देखो कैसा है मछली, खा के देखता हूँ। बाकी झोर तो मस्त लग रहा है भाई, मतलब ग्रेवी मस्त लग रहा है देखने में, खा के देखता हूँ। ये भाई मैंने खाना पीना खा लिया भाई, और एक्चुअली यहाँ पर अनलिमिटेड चावल था, जितना चावल खा रहा उतना चावल खा सकते हो, और अनलिमिटेड दाल था और मछली मिला था, मतलब पेट भाई भर गया एकदम मेरा। पता नहीं बहुत ढंग से मन कर रहा था, ये कलकत्ता में और बांग्लादेश भाई मछली चावल बड़ा मस्त मिलता है, मच्छी भात बोलते हैं उधर, मच्छी भात। तो ये भाई मच्छी भात खाया मैंने, और भाई मच्छी भात के बाद एक चाय, दूध वाली चाय मंगवाया भाई। ये भाई एक रियाल का है, मतलब 20 रुपये का, इससे बड़ा वाला आता है 40 रुपये का। क्या हाल है भाई? सही, आपको भी हिंदी आती है? थोड़ा आता है। बांग्लादेश से? सही है भाई। कहाँ से? बांग्लादेश से। ढाका से? चलो भाई। तो भाई ये जो रेस्टोरेंट था यहाँ पे मैं खा रहा था, क्या लिखा हुआ है भाई ये बांग्ला में, क्या लिखा हुआ है? वो एशिया रेस्टोरेंट है। एशिया रेस्टोरेंट है, अच्छा। तो भाई वो रेस्टोरेंट में एक्चुअली कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये मुझे पास वाले एक सुपर मार्केट लेके आए हैं, यहाँ पर आई थिंक कार्ड से मैं पे करूँगा। ये भी भाई अच्छा खासा सुपर मार्केट लग रहा है। कितने साल से यहाँ पर हो भाई? 2 साल से। 2 साल से कैसा लग रहा है सऊदी अरबिया? अच्छा लग रहा है। बांग्लादेश से अच्छा? सेम से निकलो तो सेम से है भाई। चलो बहुत अच्छा है, मदीना अच्छा है बोल रहे हैं, मदीना अच्छा है भाई। तो भाई खाना पीना खा लिया, अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने पूछा कि यहाँ भाई आसपास कहीं पान मिलता है क्या? तो मैंने कहा हाँ पान, सीधा चले जाओ तो पान मिल जाएगा। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, घर जाता हूँ, पान क्या खाऊँ अब मैं। ये भाई पूरा जो एरिया यहाँ पे इंडियन फूड बांग्लादेशी फूड है, पूरा एरिया मिल जाएगा भाई। भाई यहाँ पे मतलब खाने की कोई दिक्कत नहीं भाई, खाने का यहाँ पे मैंने एक्चुअली उज़्बेक रेस्टोरेंट भी दिखा मुझे, और खाना सऊदी अरबिया के अंदर सस्ता है भाई, कंपेयर टू मेनी कंट्रीज लाइक कंपेयर टू रशिया भाई, कंपेयर टू मुझे कभी क्या लगता है कंपेयर टू इंडिया सस्ता है, क्योंकि आपको 100-100 रुपये में खाने मिल जाते हैं यहाँ पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्लाइट इंडिया की अगर बुक करवानी हो यहाँ पे आ सकते हो, हालांकि ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ मैं, यहाँ क्यों आऊँगा। और भाई यहाँ पर ट्रैफिक क्रॉस करना अपने आप में एक चैलेंज है, देखता हूँ ट्रैफिक क्रॉस कर पाता हूँ नहीं। यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, फिर भी यहाँ पर लोग रुक नहीं रहे, बट कोई नहीं क्रॉस कर गया। मतलब इंडिया वाला हिसाब किताब है भाई ट्रैफिक क्रॉस करना, यहाँ पे ट्रैफिक रूल भाई कोई नहीं फॉलो करता। इनफैक्ट मैंने रियाद वगैरह में भी देखा भाई, ज़ेबरा क्रॉसिंग है यार वो जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, फिर भी लोग जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, कोई लाइन को फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई मान ही नहीं रहा, पता नहीं लाइन किस लिए बनाई गई है, कोई नहीं फॉलो कर रहा था भाई। भाई पता नहीं मैं किसी ऐसे एरिया में घूम रहा हूँ फिलहाल अभी, बट मुझे घर जाना है, तो यहाँ से आसपास ही कहीं मेरा घर होगा। सही दिख रहा है भाई ये एरिया भी, ये पूरा एरिया जो भाई इसमें मुझे इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है, लोकल पॉपुलेशन तो कम ही दिख रही है भाई मुझे।